मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे सेजवाही गांव में एक युवक के नाग की तरह हरकत करने की अफवाह इतनी तेजी से फैली कि उसे देखने आसपास के गांव से निकलकर हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों में फैलती अफवाह के अनुसार सेजवाही के आदिवासी परिवार के घर एक दिन पहले से एक नागिन ने डेरा जमा रखा है। नागिन के उस घर में आने के बाद से ही उस परिवार का बेटा मुन्ना नाग की तरह हरकत कर रहा है। उस पर सांप की आत्मा आ गई है और वह फुफकार रहा है और पेट के बल चल रहा है। इतना ही नहीं, युवक ने घोषणा की है कि वह 12 बजे गायब हो जाएगा और नागिन उसे ले जाएगी। बस इसी अफवाह से देखते ही देखते हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए, लेकिन जब 12 बजे युवक गायब नहीं हुआ तो लोगों ने मान लिया कि इस पर नागिन नहीं बल्कि भूत का साया है। बस फिर क्या था, तांत्रिक पहुंच गए और झाड़फूंक शुरू हो गई। जब झाड़फूंक करने वालों ने युवक को डंडे से पीटना शुरू किया तो उसका कथित भूत उतर गया और हाथ पैर जोड़कर सभी से माफी मांगी। तांत्रिकों ने बताया कि गांव के बाहर नाग नागिन का मंदिर बनाने की शर्त पर भूत ने युवक का पीछा छोड़ा है। मैंने भी सोशल मीडिया में इस खबर को सुना था, देखा भी, और यही लगता है कि जो हमारा क्षेत्र है, आज भी हम लोग ग्रामीण अंचल बहुत सारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे आदिवासी लोगों का ये इलाका है, तो इस तरीके की चीज़ों पे बहुत जल्दी ये भरोसा कर लेते हैं। जो कि निश्चित रूप से इस तरीके के जब वाक्या होते हैं तो बहुत से लोग अंधविश्वास के चक्कर में बहुत कुछ नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शासन को तुरंत इस पे एक्टिव होना चाहिए। इस तरह के एपिसोड में अपने जो भी उनके नुमाइंदे हैं लोगों को जाकर तुरंत बताएं कि ये इन खबरों से बच के रहें। जो ज्ञात हुआ है उसमें ये तथ्य सामने आया है कि एक युवक ने कुछ ऐसे दावे किए अंधविश्वास से भरे जिसको देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्योंकि ये कोरोना का काम कार्य चल रहा है इस समय, और इस समय इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उस युवक के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।